हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा एंड मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कोई महिला की प्रेगनेंसी है वो कन्फर्म होती है, जैसे भी कोई बच्चा कंसीव करती है तो तुरंत ही उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि वो किसकी माँ बनने वाली है, किसकी मम्मी बनने वाली है, एक बेटे की या फिर एक बेटी की। उनके घर आने वाला नन्ना मेहमान वो कौन होगा, एक लड़का होगा कि लड़की होगी। तो दोस्तों, महिलाओं की इन्हीं जिज्ञासा को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। बाकी हमारे वीडियो या फिर चैनल का ऐसा जेंडर प्रिडिक्शन करने का कोई उद्देश्य नहीं है, ये जेंडर प्रिडिक्शन को कभी भी बढ़ावा नहीं देता है। हमारे लिए लड़का लड़की दोनों एक जैसे ही हैं। तो आप भी कोई भी वीडियो को या फिर हमारे वीडियो को देखकर कोई भी गलत कदम बिल्कुल ना उठाइए और इस वीडियो को बिल्कुल मज़ेदार तरीके से लीजिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज हम वीडियो में जानेंगे ऐसे कुछ दो लक्षणों के बारे में जो बहुत ही सटीक माने जाते हैं। आप हर एक वीडियो में ये लक्षण है वो पाएंगे आपको बताते हुए लोग कि बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हमारी जो थी, ओल्ड वाइव्स थी, उनका कहना भी यही था कि अगर ये दो सिम्टम्स अगर प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलते हैं 6ठे 7वें और 8वें महीने में, तो आप जान सकते हैं कि उन्होंने क्या कंसीव किया है, एक लड़के को कंसीव किया है या फिर एक लड़की को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हुए कमेंट बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमको बिल्कुल बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही सपोर्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है कि आपकी जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ना, आपके पेट का जो शेप है वो आगे की तरफ आता निकलता जाता है, मतलब आपका पेट ही वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन 5वें महीने से हर किसी को मालूम पड़ जाता है कि आपने कुछ कंसीव किया है, आप प्रेग्नेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप 6ठे महीने में 7वें 8वें महीने में आगे बढ़ती है प्रेगनेंसी में, तो आपका पेट का आकार है वो बदलता आपको दिखेगा। तो ऐसा माना जाता है, हमारी बड़ी बुजुर्ग महिला ऐसा बोलती है कि अगर आपके पेट का जो आकार है मतलब आगे की तरफ बहुत बड़ा हुआ है, गोल है मटके जैसा, तो माना जाता है कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है, एक लड़की को कंसीव किया है। और वहाँ अगर आपका जो पेट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ झुका हुआ है, अंडाकार शेप में है, तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है, एक लड़के को कंसीव किया है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे सटीक लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सटीक लक्षण जो है वो है आपके चेहरे के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर रिलेटेड है। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका जो चेहरा है, आपकी जो स्किन है, हाथ पैर है, वो एकदम खिल जाते हैं, आपकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाती है पहले से भी, आपके बाल मुलायम हो जाते हैं, आपके हाथ पैर सभी मुलायम हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं बहुत ही, तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक लड़की को कंसीव किया है, क्योंकि माना गया है कि लड़कियां है वो सौम्यता को बढ़ावा देती है। ठीक है, और वहाँ उसके ऑपोजिट अगर आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल काला पड़ने लगे, डल हो जाए, आपके नाक में, होठ में, गाल में, आपके चेहरे का शेप भी बदलने लगे, बिल्कुल भद्दा लगने लगे, पहले से आपकी जो खूबसूरती जो भी थी वो थोड़ी कम हो जाए, डार्क सर्कल आने लगे, पिंपल्स आने लगे, ऐसा होने लगे, तो माना जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो दोस्तों, ये थे वो दो सटीक लक्षण जिसके ऊपर से आप कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकती है कि आपको एक लड़का होगा कि लड़की होगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चे का ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।